Now the next term is genotype. What is genotype? Genotype is it is the genetic representation of a trait. Genotype क्या होता है? Genotype is the genetic representation of a trait. जैसे कि tallness को हम कैसे represent करते हैं? For example, tallness is represented by या तो capital T से represent करते हैं या फिर small t, small t से represent करते हैं. Capital T, small t है तो भी क्या होगा ये? But it will represent a tallness. Phenotype, next terminology, next term is phenotype. Phenotype क्या होता है? It is the expression, that is the physical appearance of a trait. ठीक है? तो phenotype is the expression expressions of a trait, expression or the physical appearance or physical appearance of a trait, right? जैसे कि tall plant के लिए, tall plant जो होते हैं, it can be noted by direct observation of an individual. ठीक है? कोई डायरेक्टली हम किसी को देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि द प्लांट इज इधर टॉल और ड्वार्फ, राइट? अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है कि इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर. अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को. तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर. एग्जांपल, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ? जैसे इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड डॉग कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ tall and dwarf character, dwarf traits. Actually ये जो traits हैं, tall and dwarf, they belongs to a single character, that is the height of the plant, height of the individual. कोई individual tall है या dwarf है या short height है, it belongs to the height of that individual or the height of the plant, right? Next is dihybrid cross. Dihybrid cross क्या होता है? It involves the inheritance of two pairs of character. Inheritance of two pairs of characters. जैसे हम pea plant के हिसाब से ही पढ़ेंगे, pea plant को example लेके पढ़ेंगे, तो pea plant में एक तो हमने plant height की study के inheritance को study किया, साथ में एक कैरेक्टर हम और ले लेंगे. तो प्लांट फ्लावर पोजीशन ले लिया मान लो, या फिर सीड कलर ले लिया. तो एक तो हो गया प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर हो गया प्लांट हाइट, एंड दूसरा कलर हो गया फ्लावर, दूसरा कैरेक्टर हो गया फ्लावर कलर. तो इस तरीके से दो कलर को लेकर के हम, दो कैरेक्टर को लेकर के हम स्टडी करेंगे. नाउ अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस सम मोर टर्म्स. तो वन इम्पॉर्टेंट टर्म इज बैक क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होता है? इसमें जो है एक F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन क्या होता है ये भी मैं बता दूं. F1 मतलब F स्टैंड्स फॉर फीलियल, फीलियल मीन्स ऑफस्प्रिंग. तो F1 जनरेशन मीन्स ऑफस्प्रिंग बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन, individuals belonging to first offspring generation, that is F1 generation.
एफ टू मैंने इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेकेंड ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ठीक है। तो बैक क्रॉस में क्या होगा, दे विल बी क्रॉसिंग बिटवीन क्रॉस विल बी परफॉर्म बिटवीन एफ वन जनरेशन इंडिविजुअल ऑफ एफ वन जनरेशन एंड आइदर ऑफ द पेरेंट एनी ऑफ द पेरेंट प्लांट किसी भी एक पेरेंट प्लांट के भी, मतलब चाहे वो डोमिनेंट, चाहे वो मेल पेरेंट प्लांट हो चाहे फीमेल पेरेंट प्लांट हो, उनसे उनमें से किसी भी एक पेरेंट प्लांट का क्रॉस जब हम ऑफस्प्रिंग प्लांट से कराते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसमें जो होता है क्रॉस परफॉर्म बिटवीन एफ वन प्लांट एंड रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। रेसेसिव पेरेंट, जब रेसेसिव पेरेंट की क्रॉस, रेसेसिव पेरेंट प्लांट का क्रॉस एफ वन इंडिविजुअल से कराते हैं, देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। सो दीज आर F1 means first filial मने क्या होता है offspring, first filial generation, P generation means parent generation, ऐसे ही F2 क्या होगा second filial generation। तो अब हम start करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल ने परफॉर्म किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस विच इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जी। तो इन उन्होंने कई सारे क्रॉस परफॉर्म किए, हमें दो ही क्रॉस पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद मेंडल ने कुछ जनरलाइजेशन दिए थे जिनको कि लॉ का स्टेटस दिया गया बाद में, और उसको लॉ का स्टेटस दिया कार्ल फॉरेंस ने। तो हम इन क्रॉसेस को पढ़ने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच वॉज गिवन बाय मेंडल, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने बताया, मैंने 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी करी थी, तो हम एक कैरेक्टर को लेके चलेंगे टॉलनेस प्लांट हाइट, ठीक है। तो जो कैरेक्टर विच वी विल डिस्कस इज द प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट के हाइट को हम डिस्कस करेंगे। इस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं। प्लांट हाइट दो तरीके की होती है, आइदर टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही टेक टॉल मेल प्लांट, ठीक है, ही टुक टॉल मेल प्लांट, ये हो गए टॉल मेल प्लांट, ठीक है, जिसमें कि अब ये प्योर लाइन प्लांट लिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्रॉस जो परफॉर्म किया था, ये परफॉर्म्ड क्रॉस बिटवीन द प्योर लाइन्स, दिस इज ड्वार्फ फीमेल प्लांट। तो ये दोनों जो है ये भी प्योर लाइन, दिस इज प्योर टॉल और होमोजाइगस, प्योर टॉल और होमोजाइगस टॉल, और दिस इज प्योर ड्वार्फ और होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों बोलेंगे, मैंने भी आपको बताया कि जब दोनों एलील सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक ही टाइप के एलील्स प्रेजेंट होंगे, देन इट इज नोन एज होमोजाइगस, राइट। तो अब ये जो प्लांट्स हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट,
यहाँ पे हम मेल प्लांट को, टॉल प्लांट जो है उसको मेल प्लांट ले रहे हैं और जो ड्रॉप प्लांट है वो फीमेल प्लांट ले रहे हैं, लेकिन इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है कि अगर फादर टॉल होगा तो ही उसका ऑफस्प्रिंग टॉल होगा, तो ही बच्चा टॉल होगा, नहीं, मदर टॉल होगी तो भी बच्चा टॉल हो सकता है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने मेल प्लांट को टॉल लिया है तो मेल प्लांट ही टॉल होगा। मेंडल ने मेल टॉल प्लांट लिया था, इसलिए हम उनके एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, राइट। अब ये क्या होंगे, दिस प्लांट दे विल प्रोड्यूस गैमिट। अब ये क्या करेंगे, गैमिट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो गैमिट प्रोड्यूस होगा, होमोजाइगस में हमें बताया है होमोजाइगस प्लांट जो होते हैं वो एक ही तरह के गैमिट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये भी एक ही तरह के गैमिट प्रोड्यूस करेंगे, सारे गैमिट कैपिटल टी होंगे, गैमिट्स कई सारे प्रोड्यूस होंगे लेकिन ऑल द गैमिट्स विल बी ऑफ सिमिलर टाइप। एक ही गैमिट नहीं प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ गैमिट्स विल बी मेनी बट दे ऑल विल बी ऑफ सिमिलर टाइप। सो ये क्या है, ये गैमिट है, ये गैमिट है, राइट। अब इन गैमिट में, तो ये गैमिट इसके बाद क्या होंगे, व्हेन द टू जर्म एलील्स, टू जर्म सेल्स दे कंबाइन, गैमिट्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज जर्म सेल, दे विल कंबाइन एंड दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। नाउ दीज टू जर्म सेल्स विल कंबाइन, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा एंड दे विल फॉर्म एन इंडिविजुअल विच हैज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो दिस फ्यूजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्म सेल्स टू गैमिट्स और कंबाइन, दे आर कंबाइनिंग, टू जर्म सेल्स दे आर कंबाइनिंग एंड रिस्टोरिंग द नॉर्मल एंड रिस्टोरिंग द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 2n होता है, यहाँ पे डबल टी है तो दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। गैमिट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दे आर रिप्रेजेंटिंग हैप्लॉयड कंडीशन। नाउ दे अगेन रिस्टोर्स द प्लॉयडी, द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दे अगेन बिकम द डिप्लॉयड। सो दिस इज द पी जनरेशन और द पेरेंटल जनरेशन, ये क्या हो गया पी जनरेशन। नाउ दिस वी गेट द F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो दो गैमेट जो हैं ये कंबाइन होते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिस्टोर करते हैं एंड दे इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। एंड यहां पे आप लिख सकते हो इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब ये जो F1 जनरेशन में बच्चों जो हमें प्लांट मिला, जो मेंडल जी को प्लांट मिला था, वो सारे प्लांट, अब आप बताओ कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, राइट। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे प्लांट में एक कैपिटल, सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे, ठीक है। इसमें क्या था, बोथ द टॉलनेस एंड द ड्रॉपनेस कैरेक्टर वर ट्रेट वॉज इनहेरिटेड इन F1 प्लांट। इसमें क्या आप देख रहे हो, बोथ टॉलनेस एंड ड्रॉपनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड बट ओनली द टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड, खाली जो है टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। इट मीन्स द टॉलनेस इज डोमिनेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑल प्लांट्स और टॉल प्लांट्स, लेकिन ये जो टॉल प्लांट हैं दे आर हाइब्रिड और हेटरोजाइगस। ये क्या है, ये हेटरोजाइगस है, ठीक है। तो यहां पे पता चल रहा है कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस बोथ
ट्रेट्स आर इनहेरिटेड. आप देख रहे हो टॉलनेस का भी ट्रेट इनहेरिटेड हुआ है और ड्वार्फनेस का भी ट्रेट इनहेरिट हुआ है, बट ओनली द टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड, ओनली आप यहां लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं बोथ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ट्रेट are inherited but only tallness expressed and this is known as dominant character, expression of the dominant trait. ठीक है, तो tallness क्या हो गया, is the dominant trait, right? Now अब क्या होगा, द टू कॉपीज ऑफ द ईच ट्रेट आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड दीज टू मे बी आइदर दीज टू कॉपीज मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट, ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं एंड दिस डिपेंड्स ऑन द अपॉन द पेरेंटेज, ये पेरेंटेज पे डिपेंड करता है. अब क्या हुआ नेक्स्ट के बाद, F1 जनरेट, मैंने बताया था कि मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए थे, बिकॉज ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अप टू सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, हमें जो पढ़ना है सेकेंड जनरेशन तक पढ़ना है, ठीक है. उन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, ही परफॉर्म सेल्फिंग बिटवीन द प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन के दौरान जो ये प्लांट आया था इनके बीच में उन्होंने सेल्फिंग परफॉर्म की. तो नाउ लेट्स सी द सेल्फिंग. तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ लिखा था आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रख कर रही हूँ यहाँ से. नाउ ही परफॉर्म सेल्फिंग, तो सेल्फिंग में उन्होंने, दिस इज नोन एज सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर्स प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, दिस इज नोन एज सेल्फिंग. तो अब सेल्फिंग में क्या होगा, अब इसको मान लो हम ले लेते हैं मेल प्लांट, एक प्लांट को क्या किया ही कंसिडर्ड एज मेल प्लांट एंड अदर प्लांट ही कंसिडर्ड, सपोज इसको हम लेते हैं फीमेल प्लांट, राइट. तो अब इन दोनों प्लांट भी अपने गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, नाउ दे फर्दर विल प्रोड्यूस देयर गैमेट. लेकिन नाउ अब आप देख रहे हो कि दिस इज हेट्रोजाइगस प्लांट, दीज आर नॉट द प्योर लाइन प्लांट, दीज आर हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस प्लांट. क्यों, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, जबकि दीज आर प्योर लाइन्स और होमोजाइगस प्लांट्स, ये भी और ये भी, दोनों में कैपिटल टी है या फिर दोनों स्मॉल टी है, एक में कैपिटल टी है और एक में स्मॉल, दोनों स्मॉल टी. तो अब यहां पे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे, यहां पे दो तरीके गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी. ये क्या हो रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल. तो अब ये जो है फिर से दो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, यहां भी क्या होगा, एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा. सो दीज आर गैमेट्स और दीज आर जर्म सेल्स. अब फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा टू रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सो एज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ DNA इन अ स्पीसीज ऑफ अ स्पीसीज. नाउ अब ये जो है आपस में फ्यूज करेंगे. अच्छा क्या होता है बच्चों कि आप देख रहे हो कि जो ये गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स में जो एलल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, ठीक है. हर गैमेट में सेग्रीगेट हो जा रहा है, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो एलील्स क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं. आप देख रहे हो दोनों एक ही गैमेट में दोनों एलील नहीं, दोनों ही एलील्स नहीं आ रहे, ठीक है. एक गैमेट में दोनों एलील्स नहीं आ रहे, वो सेग्रीगेट हो रहे हैं. एक में अगर कैपिटल टी आ रहा है तो एक में स्मॉल टी आ रहा है, दिस इज नोन एज द सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट और द प्योरिटी ऑफ गैमेट. हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसको देखेंगे. तो अब ये इसके बाद हम ये फ्यूजन होगा, दिस टी कैन बी फ्यूज विद दिस टी, मतलब दिस गैमेट कैन बी फ्यूज विद दिस गैमेट और दिस गैमेट कैन बी फ्यूज विद दिस गैमेट ऑल्सो.
दोनों चांसेस हो सकते हैं, ये इससे फ्यूज होगा और ये इससे भी फ्यूज होगा. इसी तरीके से दिस गैमीट कैन बी फ्यूज विद दिस ऑल्सो एंड दिस गैमीट कैन बी फ्यूज विद दिस गैमीट ऑल्सो. तो इन दिस वे वी कैन गेट फोर टाइप ऑफ द स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स. तो अब क्या होगा, चार तरीके के ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिल रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहला जो हमें मिलेगा दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस स्मॉल टी स्मॉल टी. तो अब आप बताओ कि कौन कौन से प्लांट टॉल होंगे, कौन कौन से प्लांट ड्रॉप होंगे. तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कैपिटल टी कैपिटल टी ये टॉल हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हुआ क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है विच विल मास्क द इफेक्ट ऑफ स्मॉल टी. ये भी टॉल प्लांट हुआ और ये दोनों स्मॉल टी हैं तो दिस विल बी ड्वार्फ. एंड दिस इज द एफ टू जेनरेशन. विच जेनरेशन इज दिस, दिस इज एफ टू जेनरेशन और सेकेंड फिलियल जेनरेशन, राइट. अब इसमें आप देख रहे हो दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है, यानी कि दिस इज द प्योर लाइन टॉल प्लांट और होमोजाइगस टॉल प्लांट. दोनों एलील सेम है तो ये क्या होगा, प्योर लाइन होगा या फिर होमोजाइगस. सो दिस इज आप इनको ये, हम इसको ये भी ले सकते हैं कि दिस इज होमोजाइगस टॉल प्लांट. यहां आप देख रहे हो ये तो टॉल तो है, मॉर्फोलॉजिकली दे विल अपीयर टॉल, बट अगर आप इनका जीनोटाइप देख रहे हो, व्हाट इज जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रेट. तो यहां देख रहे हो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. तो इसका मतलब ये क्या होंगे, दे आर हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड टॉल. सो दे आर हेट्रोजाइगस टॉल, इनको हम लिखेंगे दे आर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट. नाउ व्हाट इज दिस, यहां पे देख रहे हो आप दोनों स्मॉल टी हैं, देन दे विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट. अब बताते, अब हम इनका जीनोटाइप देखते हैं और फिनोटाइप देखते हैं. तो इसका तो फिनोटाइप क्या हुआ, F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, ऑल टॉल प्लांट. F1 जनरेशन में अगर फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप क्या था, फिजिकल अपीयरेंस और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट. तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या शो कर रहा है, ऑल टॉल प्लांट्स. लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करें F1 जनरेशन में तो क्या होगा, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट. अगर जीनोटाइप के हिसाब से हम बात करेंगे तो क्या बताएंगे, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट. लेकिन इन केस ऑफ F2 जनरेशन आप देख रहे हो, अगर फिनोटाइप आप देखें, लेट्स राइट द फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन तो क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3, थ्री प्लांट्स आर टॉल एंड वन प्लांट इज ड्वार्फ. सो व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो, 3:1, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक जो है होमोजाइगस टॉल है, दो है हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस टॉल. तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1 होमोजाइगस टॉल प्लांट, 2 हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट एंड 1 होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट. सो व्हाट विल बी द जेनेटिक रेशियो, 1:2:1, दिस इज द जेनेटिक रेशियो. सो इस डिस्कशन के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को देखकर एक बात समझ में आती है कि अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी, अ सिंगल कॉपी ऑफ, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, खासकर यहां पे आप देखिए
कि अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, बट टू मेक द प्लांट ड्वार्फ बोथ द कॉपी शुड बी स्मॉल टी, राइट. इट मीन्स कि कैपिटल टी इट डिनोट्स means capital T it denotes the dominant character and small t it denotes the recessive character. So this is all about the monohybrid cross. Next I will discuss the dihybrid cross. After that we will discuss the law, Mendel's law of inheritance. Thank you.